अधिवक्ता अनिल चौधरी और कुलदीप सिंह से मारपीट मामले को लेकर राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने आपात बैठक कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। बैठक में बताया गया है कि यातायात पुलिस के साथ काम करने वाले युवकों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर अधिवक्ताओं से मारपीट की और यातायात पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बार ने जल्द से जल्द आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे अधिवक्ता साथी अनिल चौधरी और कुलदीप राजावत पर हमला किया गया कुछ लोगों द्वारा, जिसके विरोध में आज वकीलों ने रोड पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए एसपी को ज्ञापन दिया। उसके पश्चात एसपी साहब ने 3 दिवस में जो हमलावर थे उनको गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया कि 3 दिवस में गिरफ्तार हो जाएंगे और अभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा इस मामले में कि अधिवक्ताओं पर जिस तरीके से प्राणघातक हमले हो रहे हैं उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे राज्य में लागू किया जाए, जिससे कि ये सिलसिला रुके। जिस तरीके से लगातार अधिवक्ता समुदाय द्वारा आम जनता की बातों कोर्ट में उठाया जाता है एवं अपराधियों के मामले में कई बार पैरवी करनी पड़ती है, तो उससे उनकी जानों पर खतरा रहता है। हमारे द्वारा जो अभी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए बार बार समय पर मांग उठाई गई, बीजेपी के राज में भी उठाई गई थी और कांग्रेस के राज में उठाई जा रही है। अभी लोकसभा चुनाव तक हम ज्ञापन दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हम मीटिंग करके निर्णय लेंगे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम सारे दबाव बनाएंगे और जो भी रणनीति होगी हम उस टाइम बना के आंदोलन करेंगे ताकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और बार बार जो देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।